हमारे मंकी चाचा ए सॉरी 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 आई थिंक मैं जुमन जी के अंदर आ गया हूँ गाइस। तो लगे अनि बहिनी सरप्राइज लागे ना म यहाँ आएर। ओए ओए चालो चश्मा लाओ बंजा। उतने टाइम से ना आदमी दिखाई दे रहा ना घर। देखो बाल वाल खींचता है आदमी लोग। ओ देखो क्या कर। ओए 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 सो हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो अभी मैं माल बाजार के सामने हूँ। मैं घर पहुँच के भी अपना जो ड्रेसअप है ना चेंज करके मैं आ गया। आज ना मैं हॉलीडे में निकल रहा था तो सोचा कि ब्लॉग बना लूँ। और ये रहे अपना बेबी, देख सकते हैं कितना अच्छा। अभी ना पूरा 80 किलोमीटर चला के आ गया ना तो थकान सा हो गया, तो मैं यहीं पे यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ। मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे आ चुका हूँ। माल बाजार के ये पेट्रोल पंप पे मैंने अपना फ्यूल फुल कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे बैठे बैठे ना काफी सारे सब्सक्राइबर भी मिले थे, मुझे तो पता ही नहीं था माल बाजार से भी हमें देखते हैं यार। ला ओके ला। अरे भाई साहब ये देखे ना गाइस, मेरा एक साइड का मिरर ही गिर गया। ये देखे चा भाई कहाँ गिर गया। अभी अभी इसका लग गया मेरा। गिर गया ना, हो गया ना खर्चा। फिर ये तो टूट ही गया है। हेलो पुच्चे कैसा रे। ए ए मत कर। ए ए ए पुच्चे क्या कर रहा है तू। ये आई थिंक क्या खा रहा है। ए खा ले ओ देखो बाय बाय छोटे। तो एज यू कैन सी अपना बेबी पूरा का पूरा चेका चेक। जाके मेन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, डांस वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। एक्चुअली मैं घर से ही ब्लॉग स्टार्ट कर सकता था, बट हाँ कितनी बार दिखाऊँ आपको एक ही रास्ता बोल के मैंने सीधा आज कोनरसन ब्रिज से स्टार्ट किया। और यहाँ पे हमारे मंकी चाचा ए सॉरी 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 हम जा रहे और यहाँ पे काफी सारे बंदर हैं। जो भी आके ये कोनरसन ब्रिज में ना गाइस फोटो वगैरह खींचते ना तो थोड़ा संभाल के रहना इन बंदरों से, क्योंकि जब आप फोटो खींचते हो ना तो ये बंदर लोग ना छुप छुप के आके आपको फोन चुरा सकते हैं। वो देखो भगा रहा आदमियों को। वो देखो बाय बाय चाचा। ओ चाची हाँ देखो बाल वाल खींचता है आदमी लोग। वो देखो क्या कर। ओए मत कर। और जहाँ तक लगता है आज मैं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करूँगा अपने सेल्फ को, बिकॉज मैं हॉलीडे पे निकला हूँ अकेले, ठीक है। दोस्त लोग सारे के सारे अपने अपने घर पे है। यह आपका भाई अकेले निकला है तो आज कुछ तो तबाही होने को है गाइस। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मेरा लोकेशन चाची कह रही है कि यहाँ से ना लेफ्ट घूम जाओ। एक्सक्यूज यू अंकल, लाट पंचर जानी बाटो यही हो। यही हो ओके थैंक यू। और ये जगह मेरे लिए काफ़ी नया है बिकॉज मैं इस तरफ कभी भी आया नहीं हूँ। जब भी आया हूँ तो कालीमुख सिक्किम उधर से गया हूँ ना। यहाँ पे रास्ता देख सकते हैं पूरा स्नैक की तरह है, टेढ़ा मेढ़ा। बाप रे बाप, आई होप कि मुझे कुछ ना हो बिकॉज ये रास्ता मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नया है। अकेला हूँ, डर लग रहा है गाइस। जय बजरंगबली। पर जो भी हो गाइस, ये जगह मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा नया है तो एक्सप्लोर करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और डर के मारे मेरा फटा जा रहा है। इधर पे ना गाइस मेरे को आदमियों से कुछ भी डर नहीं, बिकॉज मुझे पता है पहाड़ी इलाकों के आदमी ना इतने काइंड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओ मागो की एटा की गाइस, कभी देखा नहीं था ऐसा वाला सीन तो ये ऊपर से तो। हाँ भालू वालू ना आ जाए यार ऊपर से, भागो यहाँ से। और यहाँ पे मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा कि भाई ऐसी जगह पे लोग कैसे रहते हैं। और देख रहे हो जहाँ पे लोग रहते हैं ऐसी जगह पे, उस जगह का रास्ता देखो भाई कितना अच्छा है। जयगांव के जो भी हमारे बड़े बड़े नेता वगैरह है ना, थोड़ा कुछ शर्म करो। जो वोट लेने के टाइम में बोलते हो ये बना दूंगा वो बना दूंगा, मेरा खाक बना दोगे, पहाड़ी इलाके के लोगों को देखे ना कुछ सीखो। छी थू है तुम्हारे ऊपर भाई। हमारा जो गांव का रोड है ना गाइस 12 साल से बना नहीं है, मेरे को खुद शर्म लगता है अपना गाँव का नाम लेने में भाई। अब बस कुछ ही मिनटों में हम लोग पहुँचने वाले है। और जहाँ पे आज हम आए हैं ना गाइस, वहाँ पे अगर मेरे सब्सक्राइबर वगैरह निकला ना तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि मैंने बिना लोकेशन वगैरह मार के आया हूँ ऐसे ही। और थोड़ा सा ऑफ रोडिंग तो थोड़ा सा नहीं कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे तो। ओ मागो ओ गाइस ये चेक करे क्या ये। ओ भाई लद्दाख वाला फील आ गया भाई। ओ मागो लॉकडाउन से भी भयंकर है ये तो। ओ माँ भाई बहुत ही ज्यादा खराब है रास्ता। ओ
नीचे का ग्राउंड क्लियरनेस ढाक ढाक करके लग रहा है। लगता है अब मुझे एक ना ऑफ रोडिंग बाइक लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने निंजा से ना ऐसे वाले रास्तों पे नहीं चला पाता हूँ मैं। ये चेक करे गाइस, काफी लंबा सफर हो गया है, अभी कुछ ही मिनटों में हम लोग पहुंचने वाले हैं। और एक चीज मेरे को गुस्सा किस चीज पे आ रहा है पता है, मेरे को ये गोपुर के ऊपर आ रहा है, क्योंकि बार बार मैं ऑन करता हूँ वीडियो, पता नहीं इसको क्या हो जाता है, फुटेज आता नहीं, पूरा ब्लैक आ जाता है, या तो पूरा ग्लीच होके वीडियो ही खराब हो जाता है। तो जितने भी हमारे मोटो ब्लॉगर भाई सब है, अगर आप लोगों का होता है कि नहीं, कि मेरा ही खाली हो रहा है, ये कमेंट करके थोड़ा बता दियो यार। आराम से। और हाँ गाइस, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली हम लोग ना सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम जाने वाले थे, बट यहाँ पे ना प्रॉब्लम हो गया मेरे दोस्त वगैरह का, तो वो दोस्त वगैरह ना कोई भी नहीं जा रहा है, तो मैं अकेला नहीं आ पाऊँगा। तो नेक्स्ट टाइम हम आएंगे, अभी कुछ दिनों के लिए सिक्किम का थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है भाई। इतना संकट है क्यों यार, मेरा फटा जा रहा है नीचे से। ओ माँ का, अभी तो चिड़िया देखते ही मेरे को डर लग रहा है। यहाँ पे इतना संकट है क्यों, कोई है? करके अभी आ गया ना मेरा कसम से यार, भागो यहाँ से। जगह जगह पे अच्छा रोड है, जगह जगह पे कुछ ज्यादा ही ऑफ रोड है, पर कोई भी हो एक्सपीरियंस अलग ही टाइप का मिल रहा अकेला। भाई कैसे कैसे जगह पे रहते हैं लोग यार। देख सकते काफी ज्यादा राइड करने के बाद ना मेरा कोरा तबियत खराब हो गया। क्यों आपको सता ज्यादा हो बाइक जा सकते है क्या? नहीं, चलो ट्राई करते। नहीं, चल बाबू चल, जा सकते हम लोग से जय बजूंगो ले। चल भाई चल, थाके यार। के भएको छ त अगाडि बाइक जाँदा हुन्छ? अयो माका, मैं अभी गिरने वाला था, बाल बाल बच गया, देखा मेरे नाक से ना पानी निकल रहा है, क्योंकि सर्दी हुआ ना, ऊपर से इतना धूल मिट्टी को क्रॉस करके आया, तो अभी तो पूरा तबीयत खराब। यहाँ पे ना रास्ता बन रहा है, इसी के चलते पूरा जाम लगा हुआ था। चलो भाई, जैसे तैसे करके मैंने तो निकाल लिया, बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो चुका हूँ गाइस, बट ये नज़ारा को देख कर ना मेरा पूरा टायर्डनेस ना खत्म हो रहा है। हाँ तो दोस्तों, अभी रात के 5:30 हो रखे है, अभी दोस्त से बात किया, जस्ट यही आगे अभी हम लोग पहुंच ही गए शायद। हेलो रीमा, कैसी है आप? हेलो ब्रो, यही है क्या लाट पंचर? One hour later. भाई यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड है, और गाइस मैं फाइनली अभी खाना वाना खा के ना निकल चुका हूँ, अभी हम लोग जा रहे हैं मेले पे वहाँ, और सोचा था अपने दोस्त के ना माँ पापा से मिला लूँ, बट वो लोग ना सो गए, तो कल मिला दूंगा, बट यहाँ पे हमारे दोस्त है, आइए मिलाता हूँ। किधर गए हो बुंडी चुंडी लोग, इधर आओ। यहाँ पे है हमारे रीमा, जिसके घर पे मैं आया था, और यहाँ पे रीमा का दोस्त है, ये बाकुल का बंदर है। और यहाँ पे हमारे मिस क्वीन, कहाँ से आप? ये हमारे कौन है, नवमी। और अभी चार जन हम लोग कहाँ जा रहे हैं रीमा? मेला घूमने के लिए। गाइस आज का ब्लॉग जैसे तैसे आप देख लेना, ठीक है, कल का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा एडवेंचर होगा। कल रीमा आप मेरे को कहाँ कहाँ ले जाओगे? अच्छा जगह, वो सरप्राइज है, कल ही पता चलेगा। ओके गाइस, अभी मैं कुछ इस तरीके का झाड़ियों के अंदर आ चुका हूँ प्रोग्राम देखने के लिए। मैं नीचे जा रहा हूँ ना, तो फोटो खींचने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मैं अच्छे से प्रोग्राम एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, और भीड़ लग जा रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ से प्रोग्राम देख रहा हूँ, कुछ इस तरीके का नजारा। अभी मैं झाड़ियों के अंदर आ गया ना, वहाँ पे भी हमारे चाहने वाले आ रखे है, देखे कहाँ बटा तिमी लाट पंचर को है। ओके धेरै खुशी लाग्यो तिमीहरूलाई भेटेर। कस्तो लाग्यो अनि बहिनी, सरप्राइज लागेन म यहाँ आएर? तिमीहरूलाई थाहा थियो म आउँछ? तिमीहरूलाई थाहा थियो म आउँछ यहाँ भनेर? हजुर है, म तिमीहरूलाई नै एक्चुली सरप्राइज दिनको लागि आएको नि यहाँ। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, किस रास्ते के अंदर मैं छुप गया था, पर वहाँ पे भी हमारे चाहने वाले मिल गए। भाई मैं कहाँ आ गया? ओ भाई ओए, मो गिर से आला यार।
नौवीं बहनी, आर यू एक्साइटेड? आई एम वेरी मच एक्साइटेड। आई एम रेडी टू किल पीपल। ओह! ऑलराइट गाइस, फाइनली 5 घंटे के बाद अपुन को मिला है ये रोटेपिंग खेलने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ था और प्रोग्राम भी बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। और आपने यहाँ पे नौवीं बहनी रीमा और यहाँ पे अपने छोटे भाई और छोटे मियाँ सब जने। यो यो, थैंक यू सो मच। ल अहिले एकछिन भेटौँ न है। ए हुन्छ, ओके, हेलो ब्रो, ल। कैसा लग रहा रीमा? कैसा लग रहा आपको? एक्चुअली जो रीमा है ना गाइस, ये जो रोड बिंग खेल रहे हैं ना अभी, हम लोग काफी ज्यादा डरती है यहाँ, ठीक है? और यहाँ पे बैठा है हम दोनों का दो टब्बे हैं। क्या हुआ रीमा, काफी ज्यादा डरी हुई है आप? कान्छी तिम्रो रैक 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 डैक डैक डैक। धेरै खुशी लाग्यो लाट पञ्चरमा आएर है, धेरै माया पाए। कान्छी तिम्रो रैक 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 डैक डैक डैक।